स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर के उद्घाटन समारोह एवं मूर्ति स्थापना के उपलक्ष में श्री श्याम संकीर्तन का भव्य आयोजन गुरुवार 25 मई 2023 को शाम 6 बजे से प्रभु इच्छा तक जी ब्लॉक बुद्ध विहार श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली में किया जाएगा। मूर्ति स्थापना के उपलक्ष में सभी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठान की पूजा पिछले 3 दिनों से लगातार की जा रही है, जो 24 तारीख को नगर प्रतिमा कर समाप्त की जाएगी। देखिए आगे की खास रिपोर्ट। खाटू ना आऊं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। तुझको दिल को मेरे चैन आता है, निहारी सूरत तुम्हारी उसे चढ़ी है तेरी खुमारी, चांदोर सितारे फूल और नजारे लगते नहीं। संदीप बंसल, कैशियर खाटू श्याम मंदिर। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। और 25 तारीख को है स्थापना दिवस है जी, सौभाग्य है बुद्ध विहार वालों का और आप सब लोगों का सहयोग है। बहुत सालों से प्रतीक्षा थी, 8 साल हो गए लगभग। अब बाबा की इच्छा थी अब आने की, अब आ रहे हैं बाबा। और दिवाली जैसा जश्न होगा उस दिन बुद्ध विहार में। आप सब लोग, जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है जरूर पहुँचे इस प्रोग्राम में और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। कीर्तन कोई आकर्षण का विषय नहीं है, आकर्षण का विषय है बाबा और मंदिर। कीर्तन तो रोज होते हैं, कोई छोटा है बड़ा सब बराबर हैं। मंदिर आपके सामने है, मंदिर प्रांगण आपके सामने है, भक्तों का सम्मान मान सम्मान यहाँ सबका जुड़ा हुआ है, सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो उसमें हमारे कहने के बजाय लोग बताएंगे आपको ज़्यादा बढ़िया। जय श्री श्याम। हमारा जो ये मूर्ति का मतलब उद्घाटन जो करा था हमने 2015 में करा था 23 अक्टूबर को, और 25 तारीख को हमारा कीर्तन होने जा रहा है। भव्य कीर्तन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आए। जय श्री श्याम। मेरा नाम सुशील है, कोई मुझे गुप्ता भी कहता है, कोई शर्मा भी कहता है, कोई वर्मा, सारे हैं। तो मैं सभी भाइयों का भाई हूँ और हिंदू धर्म का एक अनुयायी हूँ और मेरा नाम सुशील कुमार है। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे पता नहीं जितने भी हम भाई यहाँ पे हैं और जहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उन सबका कोई पूर्व जन्म के, कोई उनके परिवारों के कोई आशीर्वाद कोई ऐसा बाबा का रहा होगा जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, वरना इस जन्म में तो कोई ऐसा काम किया नहीं और ये जन्म हमने कर लिया तो हमारा जन्म सार्थक हो गया है। कीर्तन से पहले तो हमारे बाबा अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं, उनका गृह प्रवेश है और जब वो यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे उनकी खुशी में हम यहाँ सब नाचते गाते कीर्तन करेंगे और वो ऐसा भव्य कीर्तन होगा कि उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस दिन बाबा का गृह प्रवेश होगा, सारे देवी देवता यहाँ पे विराजमान होंगे, जो 5 दिन से पूरे क्षेत्रवासी यहाँ उमड़े हुए हैं, उनकी सबकी आस्था उनका विश्वास उनका सब कुछ यहाँ पे धरोहर जन लगा हुआ है, तो वो भव्य कीर्तन होगा, उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। बुद्ध विहार यूँ तो धर्म नगरी से जाना जाता है लेकिन खाटू जी जब से आए हैं ना तो ये खाटू धाम की नगरी से भी जाना जाने लगा है। तो जैसे खाटू धाम में राजस्थान में जो यहाँ पे उत्सव होते हैं ना, वो सारे उत्सव यहाँ बुद्ध विहार में होना शुरू हो गए हैं और ये जो यहाँ की जनता है
ये बहुत ही खुश है और हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र की उन्नति, हमारे क्षेत्र का सभी जितने भी युवा पीढ़ी है वो सभी धर्म और समाज के रास्ते में चलें, बुरे रास्तों को त्याग दें, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। हम सब भाई मिलके एक परिवार बना के हम चले हैं और हम देशवासियों से सभी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि बुरे कर्मों को छोड़ो, नशा को छोड़ो और धर्म और समाज के रास्ते पे चलो, सबका सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, पुरुषों का सम्मान करो, अपने परिवारों का कल्याण करो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मुझे आके यहाँ पे इतना अद्भुत महसूस हो रहा है कि जैसा कभी नहीं हुआ होगा। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अरे खाटू ना जाऊँ तो जी घबराता है, खाटू ना जाऊँ तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, हो देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये अद्भुत है, ये विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ कि मतलब इतनी बड़ी चीज़ हम सबके बीच में हो रही है। 7-8 साल पहले सोचा भी नहीं था कि इतना भव्य मंदिर का निर्माण बुद्ध विहार में होगा। ये सही में भैया ने बताया कि हम सब के पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में कुछ इतना अच्छा करा है कि हम सब का इतना बड़ा नाम सम्मान और पूरे क्षेत्र का नाम हो रहा है। आज दूर दूर से लोग पूछते हैं कि बुद्ध विहार में खाटू श्याम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो सबको सीना चौड़ा करके हम बताते हैं कि जी हाँ, हम बुद्ध विहार वासी हैं। थैंक यू। नमस्कार पंडित जी, और आपका उज्जवल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहले उज्जवल न्यूज के सभी दर्शकों का अपना परिचय दीजिए। मोहनलाल शास्त्री, मंगोलपुर कला शिव शक्ति मंदिर निवास, आचार्य पदत्पेर, मम यजमान सब यजमानों के प्रेम भाव से श्री खाटू श्याम मंदिर बुद्ध विहार में मैं आचार्य पद पर प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए 11 ब्राह्मणों के साथ इस पूजा का प्रारंभ कर रहा हूं और आज चौथे दिन हम देवताओं का घृताधिवास करवाया है और उसके बाद हम हवन कर रहे हैं, तदुपरांत आशीर्वाद और प्रसाद देंगे। धन्यवाद। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बुद्ध विहार खाटू श्याम मंदिर कई सालों से जो निर्माणधीन पे था वो बाबा की कृपा से आज सभी भक्तों का संकल्प पूर्ण हो गया है। बाबा की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और हम सभी श्याम भक्त, मैं पंडित प्रदीप दीक्षित राजस्थान से, जो कि जब से नींव रखी है, जब से इस मंदिर में सेवा के लिए मुझे योगदान मिला है और सभी भक्तों को अच्छा सौभाग्य है जो कि इस प्राण प्रतिष्ठा पर सभी आकर पूजन यज्ञ करवा रहे हैं। 24 तारीख को नगर भ्रमण परिक्रमा है और 25 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। सभी भक्तों को आना है और सभी भक्त श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और बाबा श्याम सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बोलो खाटू नरेश की जय।